जय माता दी। दोस्तों, माता रानी आपकी सारी मुरादें पूरी करें और आप जीवन में खूब सारी तरक्की करें। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों, आज के वीडियो में आपको बताने वाली हूँ नवरात्र के बारे में। अभी जो चैत्र नवरात्र जो है वो आने वाले हैं और कब से हैं, उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो जो है वो बना दिया है। अगर आपने नहीं देखा तो उस वीडियो को ज़रूर देखिए। इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ नवरात्र में अगर आप व्रत कर रहे हैं या नहीं भी कर रहे हैं, फिर भी आपको ये कार्य जो है वो बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। अगर आप ये कार्य जो है वो जाने अनजाने में करते हैं तो माँ शारदा जो है, दुर्गा माता जो हैं, उनके जो नौ स्वरूप हैं वो आपसे रुष्ट हो जाते हैं, नाराज़ हो जाते हैं और आपके बनते कार्य जो हैं वो बिगड़ने शुरू हो जाते हैं। इसलिए आपको माता रानी को कभी भी नाराज़ जो है वो नहीं करना चाहिए, माँ को प्रसन्न जो है वो करना चाहिए। माँ दुर्गा के नौ दिवसीय नवरात्रि जो हैं, व्रत हैं, संयम हैं, अनुशासन जो भी हैं, उनकी हमें कद्र करनी चाहिए और उन कार्यों को हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए जिससे माँ नाराज़ होती है। कौन कौन से कार्य हैं, आइए एक नज़र डाल लेते हैं। पहला कार्य जो है वो ये है कि व्रत रखने वाले जो भी व्यक्ति हैं या व्रत नहीं भी रख रहे हैं, नवरात्र का जो दिन होता है बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है, सब कार्य शुभ वाले करने चाहिए। नवरात्र शुरू होने से पहले ही आपको दाढ़ी, बाल, नाखून जो भी हैं काट लेने चाहिए। लेकिन आपको नवरात्र शुरू हो जाने के बाद जो नाखून है या दाढ़ी है, मूंछ है, बाल हैं, जो नहीं कटवाने चाहिए। दूसरा जो है वो ये है कि अगर अखंड ज्योति जला रहे हैं तो इन दिनों घर में जो है वो एक सदस्य को रहना ही चाहिए, घर खाली नहीं छोड़ना चाहिए। इसके बाद लहसुन प्याज जो है या नॉनवेज जो है वो नवरात्र में बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। अगर आप ये करते हैं तो माता आपसे नाराज़ हो जाती हैं। नौ दिन जो भी व्रत रख रहे हैं उनको गंदे वस्त्र बिल्कुल भी धारण नहीं करने चाहिए, साफ सुथरे और धुले वस्त्र जो है वो उनको धारण करने चाहिए। जो भी व्रत रखें उनको बेल्ट, चप्पल, जूते, बैग जैसे चमड़े की कोई भी चीज़ का जो इस्तेमाल है वो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। नौ दिन नींबू का यूज़ नहीं करना चाहिए और नींबू जो है वो बिल्कुल भी नहीं काटना चाहिए, क्योंकि माँ की आराधना जब की जाती है तो नींबू जो है, बहुत सारे लोग जैसे जवारे बोते हैं या नौ दिन पूजा करते हैं तो आखिरी दिन नींबू जो है वो काटा जाता है, लेकिन शुरुआतों में जो नवरात्रि है उसमें नींबू काटना वर्जित माना गया है पूर्णतः। नौ दिनों में कोई भी अनाज या नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर आप रह सकते हैं तभी आप व्रत को उठाइए, अन्यथा मत उठाइए, लेकिन रह सकते हैं तभी आप रहिए और नमक का और अनाज का जो यूज़ है वो बिल्कुल भी आपको नहीं करना चाहिए। विष्णु पुराण के अनुसार नवरात्रि के दिन जो दिन है, मतलब रात की मैं बात नहीं कर रही हूँ, सुबह की बात कर रही हूँ, दिन में सोना निषेध माना गया है, इसलिए आपको नवरात्र में दिन में दोपहर में नहीं सोना चाहिए। फलाहार एक ही जगह पर बैठकर ग्रहण करना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जैसे कोई भी सेब हो गया, केला हो गया या मीठा पदार्थ जो भी हो गया, उठा के कहीं इस वाले कोने में, उस वाले कोने में, घर से बाहर कहीं दूसरी जगह ले लेके खाते घूमते, इस तरीके से नहीं करना चाहिए। इस तरीके से अगर आप करते हैं तो आपका जो व्रत है वो पूर्ण नहीं माना जाता है। जब भी आप व्रत करें तो चालीसा मंत्र, सप्तशती का पाठ करें, तो पढ़ते हुए बीच में दूसरी बात जो है वो नहीं बोलनी चाहिए, ना ही उठना चाहिए, ना ही पढ़ते पढ़ते रुकना चाहिए। अगर आप ये गलती करते हैं तो आपके जो पाठ हैं, जो भी पुण्य फल है, उसकी प्राप्ति जो है वो आपको ना मिलकर नकारात्मक शक्तियों को मिल जाती है, इसलिए आपको ये गलती नहीं करनी चाहिए। कई लोग भूख मिटाने के लिए तंबाकू चबाते हैं नवरात्र के दिनों में, या बीड़ी, सिगरेट पीते हैं, तो अगर आप व्रत कर रहे हैं तो इन चीज़ों को बिल्कुल भी ना छुएं, नहीं तो आपका जो व्रत है वो खंडित माना जाता है। लास्ट और आखिरी चीज़ ये है कि आप नवरात्रि में व्रत कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आपको शारीरिक संबंध जो है वो नहीं बनाने चाहिए, नहीं तो व्रत का फल जो है उसकी प्राप्ति आपको नहीं होती है। तो ये कार्य जो है वो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। अगर आप ये कार्य करते हैं तो माता जी आपसे नाराज़ हो जाती हैं और आपके जो भी कार्य हैं वो नहीं बनते हैं। तो आप बिल्कुल भी मत कीजिए। आने वाली नवरात्रों में सब चीज़ जो है वो ध्यान से करिए, कोई भी गलती मत कीजिए जिससे माता रानी जो है वो आपको अपना आशीर्वाद प्राप्त ही ना करें। तो जो भी कार्य हैं वो बहुत ही सोच समझ के करें और बोर्डियाँ ढंग से करें।
उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त कर रही हूँ दोस्तों। जय माता दी।